एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अक्सर लोगों को मार कर खा जाया करती थी, इसलिए कोई भी गांव का आदमी उस चुड़ैल वाले रास्ते पर नहीं जाता था। एक बार गांव में भीषण गर्मी पड़ती है और उस गांव के लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। उसी गांव में रूपम और लच्छा नाम के दो आदमी बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। अरे लच्छा भैया, इस बार तो गर्मी बहुत है, सब कुछ झुलसाए दे रही है। सही कहा था रूपम भाई, अब की तो लच्छा का कच्चा तक गीला हो गया है पसीने से। तभी रूपम की पत्नी नीता वहाँ आती है। उसके हाथ में शरबत के गिलास होते हैं। आप दोनों दोस्त भी ना, अरे गर्मी में गर्मी नहीं तो क्या ठंडी पड़ेगी। जब गर्मी हो तो हाई गर्मी करते हो, ठंड हो तो हाई ठंड करते हो। अब बताओ बेचारा मौसम कहाँ जाए। नीता की बात सुनकर लच्छा बोलता है। अभी जी बात तो आप सही कहा थो, लेकिन इस बार गर्मी बहुत है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़े दे रही है। चलो शरबत पियो और गर्मी भगाओ, पिछले साल भी यही बात बोल रहे थे। फिर लच्छा और रूपम शरबत पीने लग जाते हैं। शरबत पीने के बाद लच्छा डकारते हुए बोलता है। वाह वाह, शरबत तो वाकई मजेदार था भाभी, इतना अच्छा आप अगर दुकान लगाओ तो एक घंटे में ही सारा माल बिक जाए। हाँ। चलो हटो लच्छा भैया, जब देखो मस्का मारने लगते हो। आपके रूपम भैया तो कभी तारीफ करते नहीं। ऐसा कहकर नीता वहाँ से चली जाती है। लच्छा रूपम की तरफ देखता है और बोलता है। अरे मैं सही कह रहा हूँ रूपम भैया, भाभी के हाथों में जादू है जादू, क्या शरबत बनाती है। अगर हम दोनों शरबत की दुकान खोल लें तो कसम से एक ही गर्मी के मौसम में अमीर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ तुम भाभी से बात करो, वो हमें बना के दे दे, हम दोनों मिलकर बेच देंगे। अच्छा बोल तो तुम सही रहे हो, वैसे भी हम लोग फिजूल में ही तो घूम रहे हैं, कुछ काम ही कर लेंगे है? तो पैसे आ जाएंगे, मैं नीता से इसके विषय में बात करूंगा। उसके बाद लच्छा वहाँ से चला जाता है और रूपम भी नीता से बात करके उसे शरबत बनाने के लिए तैयार कर लेता है। फिर लच्छा और रूपम मिलकर के एक रेड़ी ले लेते हैं और शरबत के गिलास और शरबत से भरा ड्रम लेकर गाँव में शरबत बेचने लगते हैं। शरबत ले लो शरबत, लच्छा का अच्छा शरबत, लच्छा का अच्छा शरबत, एक बार पियो मस्त होके जियो, आज जाओ आज चले आओ। लच्छा की आवाज़ सुनकर गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं और शरबत पीने लगते हैं। अरे वाह लच्छा भैया, ऐसा शरबत तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार पिया है, वाकई मजा आ गया। तभी दूसरा गाँव वाला बोलता है। ऐसा बोलो ना भैया, शरबत ही पहली बार पिया है। वैसे भी आप शक्ल से भिखारी जैसे ही लागत हो। कुछ ही देर में उनका शरबत पूरा बिक जाता है और उन्हें काफी अच्छे पैसे बच जाते हैं। ये देखकर लच्छा को लालच आ जाता है और वो रूपम से बोलता है। अरे रूपम भैया, अपनी स्कीम तो काम कर गई है, कितने पैसे मिले है? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को अलग अलग रेड़ी लगानी चाहिए और दूसरे गांव तक भी जाना चाहिए ताकि हम और पैसा कमा सके। रूपम को लच्छा की बात जंच जाती है और अगले दिन वो दोनों अलग अलग रेड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। लच्छा दूसरे गाँव में शरबत बेचने के लिए चल पड़ता है और गलती से उसी रास्ते से गुजरता है जिस पर चुड़ैल का वास होता है। चुड़ैल ऊपर पेड़ से बैठे बैठे लच्छा को देखती है और बोलती है। अरे ये आदमी क्या लेकर जा रहा है, इतनी गर्मी में और कितनी ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है इसमें से, जरूर कोई मजेदार चीज है, इसके तो पीछे जाकर देखना पड़ेगा। लच्छा गांव में घूम घूम कर शरबत बेचने लगता है और शरबत बेच कर वापस जाने लगता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। क्या बेच रहा था गांव में घूम घूम कर, लोग बहुत चटकारे लेकर पी रहे थे, लाल सा खून तो नहीं था, जल्दी बता नहीं तो खून पी जाऊंगी तेरा। लच्छा चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल को बोलता है। अरे चुड़ैल मौसी, क्या बात करती हो, आपके होते हुए कौन और खून पिएगा, हम तो शरबत बेचत है, शरबत शरबत शरबत, भला वो क्या भला होती है। तुम भी मौसी, शरबत भला नहीं होती, बल्कि इंसान लोग पीते हैं गर्मी भगाने के लिए, लो तुम भी पियो,
ऐसा कहकर लच्छा चुड़ैल को भी शरबत दे देता है। चुड़ैल भी शरबत पी जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। ये शरबत तो वाकई बहुत अच्छा है, मजा आ गया। और दे मुझे, नहीं तो शरबत की जगह तेरा खून पी जाऊंगी। अरे मौसी, हमका काहे मारो जी इस शरबत के लिए। आपको शरबत पीना है, लो पियो जी भरकर। ऐसा कहकर लच्छा अपने पास रखा हुआ शरबत का ड्रम चुड़ैल के आगे कर देता है और चुड़ैल भी लच्छा के पास पड़ा हुआ सारा शरबत पी जाती है और लच्छा को बोलती है, अरे वाह मजा आ गया, अब जाकर पेट भरा है मेरा। वाह, गर्मी में ठंडक का एहसास। चुड़ैल जी, अब तो आपका पेट भी भर गया और आपका मन भी शांत हो गया। अब मैं क्या जा सकता हूँ यहाँ से? लड़के कितना चतुर है तू, अगर तू चला जाएगा तो मुझे ये ठंडा ठंडा शरबत कौन पिलाएगा? अब तू नहीं जा सकता यहाँ से। चुड़ैल की बात सुनकर लच्छा डर जाता है और सोचता है, क्या सोच रहा है लच्छा? कुछ दिमाग लगा, नहीं तो ये चुड़ैल कल शरबत की जगह तेरा खून पी जाएगी। जल्दी कोई आइडिया निकाल, अगर जान बचानी है तो जल्दी। क्या सोच रहा है लच्छा, कल मुझे शरबत कौन देगा? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे ही मारकर खून पीऊंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं कल अपने भाई को भेजता हूँ, वो ये शरबत बनाना जानता है। फिर अगले दिन रूपम को भेजने की बात पर चुड़ैल लच्छा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लच्छा शाम को रूपम के पास पहुंचता है और अपने सारे पैसे रूपम को दे देता है। अरे वाह लच्छा भाई, आज तो बहुत ज्यादा कमाई हो गई। उस गांव में तो लगता है लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है अपना शरबत। सही बोला था रूपम भाई, लेकिन क्या करें, लागत है कल का नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कौन जाएगा उस गांव में? अरे इतनी सी बात के लिए चिंता क्यों करते हो भैया? आप नहीं जा पाओगे तो हम चले जाएंगे, आप आराम करो, अब ये ठीक हो जाए जाना। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम किसी चिंता में हो। फिर लच्छा रूपम को गांव में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रूपम बोलता है, बस इतनी सी बात है, है? लच्छा भैया आप एक चुड़ैल से डर गए? अरे बहुत फट्टू टाइप के हो यार, है? अरे आप चिंता ना करो, कल मैं जाऊंगा और इस चुड़ैल को भी ठीक करूंगा। हाँ, ऐसा कहकर रूपम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शराब का ठेला लेकर गांव में जाता है। चुड़ैल उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही रूपम उसे दिखता है, चुड़ैल उसे रोक लेती है। तो तू है लड़के जो उस लच्छा के बदले में आया है? बहुत तारीफ कर रहा था लच्छा कि तू बहुत बढ़िया शरबत बनाता है, चल मुझे भी पिला अपना शरबत। चुड़ैल की बात सुनकर रूपम बोलता है, ये चुड़ैल जी, हमें कल ही लच्छा ने आपके बारे में बताया था, जिसे सुनने के बाद हमने आपके लिए स्पेशल शरबत बनाया है, लो पी के देखो और बताओ कैसा है। चुड़ैल रूपम के हाथों से शरबत लेती है और पीने लग जाती है। मजा आ गया, तू तो वाकई बहुत बढ़िया शरबत बनाता है, और ये तो कल के शरबत से भी टेस्टी है, वाह। चुड़ैल लालच में कई ग्लास शरबत के पी जाती है। चुड़ैल के शरबत पीने के बाद रूपम बोलता है, चुड़ैल जी मैं क्या अब अपने काम पर जा सकता हूँ? अभी तो आपने शरबत भी पी लिया है। हाँ जा, मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे। रूपम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल पीछे से आवाज लगाती है, रुक जा दुष्ट, ये तूने मुझे क्या पिला दिया, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे चुड़ैल जी, आपने कल मेरे दोस्त को डराया था ना, ये उसी की दवाई थी। इसमें हमने जमाल घोटा मिलाया है, इसे पीकर तो बड़े बड़े घोड़े भी ढीले पड़ जाते हैं। अब आपको भी दस्त लगेंगे। चुड़ैल गुस्से में रूपम की तरफ बढ़ती है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे, रुक अभी बताती हूँ। लेकिन तभी उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, मैं बताऊंगी लेकिन एक बार ये दो नंबर से निपट लूं, आ ही जा रहा है बार बार।
तुम कुछ नहीं कर पाओगी चुड़ैल। जब तुम शरबत पी रही थी तब हमने चुपके से पीर बाबा का धागा तुम्हारे कपड़ों से बांध दिया था। अब तुम्हारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले अपने पेट को संभालो। हम तो चले अपने काम पर। तू ठीक कह रहा है। मैं ये पांचवी बार झाड़ियों के पीछे जा रही हूँ। कोई तो इलाज बताए इसका। अरे मर गई रे मेरा पेट। लेकिन रूपम कुछ नहीं बोलता और वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है और चुड़ैल की शक्ति भी धागे की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाती है।